देखो डॉक्टर साहब, पता है मतलब जब बिरधाना गांव की वीडियो डली तो लोगों के बहुत सारे फोन आए हमारे पास। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे घर में भी होया था, हमारे पड़ोसिया को होया था, हमारे रिश्तेदारा को होया था, और बहुत सारा का कहना था कि हमने घर छोड़ दिया क्योंकि एक तांत्रिक थी और हमारे ऊपर टूना टोटका करवा रखा था, कोई ओपरी पराई का था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। देखो उनका कसूर नहीं कि ये जिन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है ना, तो उन्होंने एक डर बिठा दिया। तो पीछे भी एक घटना है, आग पत्थर ये रोड़े बरसते थे, और बड़े पढ़े लिखे भी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे होता है, कोई बोलते हैं कि सीम पर कोई तांत्रिक बैठता है वो करवाता है। तो यही हम कहते हैं कि भाई उस तांत्रिक को मेरे पास ले आओ, उसको सर्दी में बैठने की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए देंगे, एक पत्थर रखेंगे और वो किसी मंत्र से उठा दे। तो मैंने उस घर में एक ही बात की थी, जब उनको बुलाया तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक यही कहा था कि आप 2-3 दिन वेट करो और आसपास ये बोल दो कि ये कहा है कि डॉक्टर साहब नाम रख देंगे। तो भगाने वाला डर गया भी कहीं असली में नाम रख दे तो वो ख़त्म हो गया। सर डॉक्टर साहब देखो इसी इसी मतलब तरह एक केस और बताते हैं हमारे पास आसुर में, तो हम यही कहते हैं जैसे किसी के घर में गंदगी वगैरह आती थी, कई सालों की बात है, तो वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो हमने कहा कि आप ऐसा करो, आपने अभी किस किस को बताया है? तो उन्होंने कहा कि हमने अभी किसी को नहीं बताया। हमने कहा कि आप किसी को भी मत बताना, और चुपके से सिर्फ दो बंदे मतलब उसको देखो, पहरा दे लो कि कौन करता है। तो वो 2 दिन बाद ही पकड़े गए। एक केस पे गया मैं, यहीं अड़ेवा की घटना थी, तो जिसमें इसी तरह ईंट पत्थर आते थे, तो वहाँ भी एक्सेप्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन हम ये देखते हैं जैसे किसी घर में पत्थर आए तो इस तरह का पत्थर आसपास कहाँ है। तो उसी में से इस तरह एक लड़की ऐसे करती जैसे फेंक देती, बिल्कुल चारपाई पे लेटी लेटी ऐसे। तो इस तरह के ये केस हैं, लेकिन एक डर हमारे एक समाज में ऐसा है इसका, ओझा तांत्रिकों का बहुत ही ज़्यादा डर, इसलिए हम कहते हैं हमने तो ये छोटी सी बात लगती है। और वही है कहते हैं कि फरी वाले को कोई नहीं पूछता, हम बिल्कुल किसी पर कुछ नहीं लेते, सिर्फ कहीं जाना पड़ जाए किराया वगैरह, नहीं तो अपने पास ही बुलाते हैं, हम फरी में ही ठीक करते हैं। लेकिन हमारी याद बिल्कुल जब किसी को 21,000, किसी को 51,000 जब दे ले, लास्ट में हमारे पास आते हैं फिर। तो हमारा तरीका यही है कि हम एक एक की काउंसलिंग करते हैं, हर एक बंदे पे शक करके चलते हैं, भी कोई भी हो सकता है। देखो डॉक्टर साहब मतलब जब ये वीडियो डली ना मतलब बहुत सारी ये फोन तो आए, उन्होंने ये बताया हमें कि मतलब हमारे घर में आग लगी या फिर हमारे पड़ोसी आग लगी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोन भी आए, उन्होंने कहा हम 21,000 ले हुए हैं, हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, हमने पहले भी बहुत सारे ठीक करे हैं। एक घर में आग लगती थी, यहाँ कोई दूर की बात नहीं है, भिगाना है बारी और बिगाड़ा बारी भिगाना, और काफी नुकसान हो चुका था, घर के गहने तक गायब थे उनके, और एक ने तो 51,000 रुपये उनसे ले लिए कि मैं ठीक कर दूंगा। वो 51,000 लेके गया ही था, तो अगले दिन फिर आग लग गई। लेकिन ये देखो, उसको पता होने के बावजूद भी कि तरक्षील सोसाइटी इन केसों को ठीक करती है, किसी को बता, उसके बाद भी 6 महीने बाद हमारे पास वो आया। आज वो बिल्कुल खुश है, परिवार में इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी नहीं है। तो देखो डर में इंसान कुछ भी करवा हुआ है, ये डर था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई ठीक कर दे किसी प्रकार से, घर बस आने हम के यही बाद ना ठीक है, हो। यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख के जो देख रहे हैं वो साथी जागरूक हो, वो हमारा एड्रेस दें, हम केस ठीक करते हैं और ठीक करना भी सिखा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन कई बार हो सकता है हम में से ही कोई ठीक करना ये सब कुछ सीख के वो फिर दुकानदारी कर ले, ऐसे हुए हैं, भाग के दुकानदारी कर लेते हैं। जैसे कहते हैं एक साथी मखंड में, आपने सुना हो कि ऐसे मंत्र से वो दारू छटवा देता है, और दारू के बारे में जब वो सोचता है ना आदमी, तो आग लग जाती है उसके कपड़ों में। बात भी रियल है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? एक वाइट फास्फोरस व येलो फास्फोरस का जो केमिकल आता है, जो हम कपड़ों के लगा देते हैं किसी माध्यम से, भी आटा लगा रहे हैं इस तरह, तो जब भी उसकी नमी सूखेगी तो वो आग लग जाएगी, थोड़ी सी आग लगेगी ये होगा भाई। हाँ, वो डरता कोई दारू छोड़ जाता है, लेकिन इस अंधविश्वास में डाल के किसी से 5100, किसी से 2100 इतने पैसे लेना गलत है।
अब देखो, जिस परिवार में ऐसी घटना घट रही है वो एक सहमा हुआ डरा हुआ परिवार है, और ऊपर से उस परिवार को फिर लूटना 20,000 21,000, तो कितना गलत है। अगर उन 20,000 21,000 उन तांत्रिकों को चाहिए तो हम कह रहे हैं कि पूरा उम्र का उनका, हमारी संस्था करोड़ों रुपए इनाम देती हैं तो ऑल वर्ल्ड की संस्था 55 करोड़ से भी ज़्यादा इनाम मिलता है, तो हमारे पास वो आए हमारा चैलेंज स्वीकार करे, कोई जरूरत नहीं क्यों वो गरीबों को लूटे। ठीक है, वो जनता भोली है, उनको अभी इस बात का पता नहीं कि ये होता कैसे। देखो डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखी, मतलब बहुत सारे लोग आप सुनने भी मिली है कि घर के आ गए टूना मिल गया, कुछ लड्डू वगैरह रखे मिल गए, या कई बार आपने भी देखा होगा आप निकलते हो गए चौराहे वगैरह पे मिलते हैं, तो ये तांत्रिक बता देते हैं तो उन तो कुछ और है, फर्क पड़ा है, सिर्फ एक डर देखो डर पैदा होता है। और आप ये देखिए, जहाँ भी चौराहे रखे जाते हैं तो चौराहे में महिलाओं का ही सामान रखा जाता है ज़्यादातर, लाली पाउडर लिपस्टिक कंघे, क्योंकि महिला इस मामले में बहुत ज़्यादा डरती है। और दूसरी बात, एक और नई बात बता दूं, जो जितना के मेरे को पता चला कि चौराहे की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और बाद में किस तरह इसको अंधविश्वास का रूप दे दिया, ये पुराने ज़माने की बात है, जहाँ कोई 5-6 गाँव में मुश्किल से एक वैद्य हुआ करता था, वो घूमता फिरता रहता था, और चौराहे में उस तरह की चीज़ रखी जाती थी, जैसे यहाँ मेरे को पता चल गया कि यहाँ कोई बीमार है, किसी के चोट लगी हुई है, तो उसमें कोई लाल वस्तु या कुछ इस तरह की चीज़ें वो चौराहे पे रखी जाती थी, और वो जो वैद्य घूमता रहता था वो देखता था, हाँ यहाँ कोई आसपास बीमार है तो उसको पूछता आसपास, वो बता देते ये बीमार है, कि ये संकेत दिया गया था और इसके फिर अंधविश्वास से जोड़ दिया। हमने बहुत से चौराहे उठाए हैं, अभी पीछे में एक बार जींद जा रहा था तो यहीं नगूरा इस साइड में सरस्वती स्कूल के पास जो अड्डा है, बीच में पूरा बड़ा चौराहा रखा मैंने हटा के और उठा के एक साइड में उसको फेंका, लोग मेरी तरफ देख रहे कि ये क्या कर रहा है। इसी तरह हम अभी ऑल इंडिया राइड पे गए थे, गोधरा में भी हमने इस तरह देखा चौराहा, तो देखो ये एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, क्यों एकदम से हाईवे पे चौराहे पर वो रख दिया, कोई ड्राइवर को दिखेगा एकदम से कट मारेगा, तो उसको भी उठा के, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, भूत प्रेता हो ना हो लेकिन एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। हाँ हाँ, इनसे ना देखो जितनी घटनाएं बढ़ती हैं, और जो हमारी भोली जनता का ये फायदा उठा रहे, तो यही कह रहे हैं जितने भी तांत्रिक है वो जनता को न ठगे, एक देशद्रोह का काम वो कर रहे हैं, तो हमसे मिले हम पैसे देंगे, हमारी चुनौती स्वीकार करें। सही है बिल्कुल, देखो तर्कशील सोसाइटी की तरफ से मतलब ये चैलेंज है, जितने भी शाणे सपटे कह दे हैं अपने तांत्रिक कह दे हैं भी, अगर जो भी सा काम कर सका है ना तो वो आ जाओ, थोड़े थोड़े पीछे की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपये मिलेंगे आपने, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सही है, आपके चैनल पे वो फ़ोन करें, मेरा नंबर दे देना। लेकिन कई बार देखा हमारे ऐसे जिसके काम धंधे ऐसे ख़त्म होते हैं, फिर वो हमें धमकियाँ भी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे, आप ये कैसे कर सकते हो, धीरे धीरे वो बात को किस साइड में मोड़ देते हैं, आप तो हिंदू धर्म के लिए खतरा हो, धीरे धीरे बात वो धर्म पे ले जाते हैं, देवी देवताओं पे ले जाते हैं, धर्म के नाम पे लोगों ने पकड़ा। हाँ हाँ, वो बात उस साइड में मोड़ देते हैं। इसी तरह जहाँ भी जो ये पीर हैं जो ये बने हुए हैं सब कुछ, अगर हम यहाँ लोगों को कुछ कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई ठीक नहीं ऐसा इनमें कुछ नहीं है, तो हमारे कई साथियों पे उल्टा ही केस हुआ कि धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। हाँ, तो ऊपर प्रशासन से मतलब इस तरह कोई हेल्प हमें नहीं मिलती, अगर प्रशासन हेल्प दे तो चाहे किसी का खुलासा हमसे करवा ले। जो कहते हैं ना, पहले भी बताया था हमने, वो बागेश्वर धाम वाला, हम आज भी चैलेंज करते हैं, वही बागेश्वर धाम वही है, और 10 बंदे अपने सामने उसके सामने से गुजार देंगे, एक रूम में बंद कर देंगे, और उनको नाम लेके उसके फादर का उनका एड्रेस लेके अंदर से बुला लेना, फिर पता नहीं शक्ति कहाँ चली जाती है उसकी। तो देखो मामला आपने देखा था जो बिदराना गांव था, तो उसका आपने सारी झलक देखी थी कि किस प्रकार तक कित आग लगी थी, उसका उन्होंने जड़ा पानी लिकड़ा उड़ा खुदाई भी करवा दी, मतलब अंदर खुदाई करवा दी, फर्श फड़वा दिया डॉक्टर साहब, लेकिन पानी नहीं निकला, नीचे तो सूखा,
और ऊपर पानी चल रहा था उस टाइम पे। देखो अगर हम वहाँ जाते उस हिसाब से अपने हिसाब से देखते, हाँ अभी जैसे एक केस और बता दें, 7वीं पढ़ने वाली गुड़िया आई थी जिसके बाल कटते थे, अच्छा छोटे छोटे इस तरह बाल कट के नीचे बिस्तर पे मिलते थे, और जल्दी ही वो केस ठीक हो गया, लेकिन छोटा बच्चा था तो उसको विश्वास में लिया, धीरे धीरे उसने बता दिया। शुरू में उससे पूछा कि बेटा कैसे कटते हैं, बाल कभी चक्कू से कट जाते हैं, कभी कैंची से, इस तरह उसकी थोड़ी देर हमने सुना, उसको फिर बताया कि देखो हम किसी को नहीं बताएंगे, आपकी समस्या बताओ। तो उसने बता दिया कि मैं कटिंग रखना चाहती हूँ, घर वाले रखने नहीं देते इसलिए मैं ये करती हूँ, तो बस यही इसी तरह के केस ये मिलते हैं। तो कोई हर एक केस में कोई ना कोई इंसान ही होता है। कोई ना कोई इंसान ही होता है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो जानबूझ के करता है, मतलब एक डिप्रेशन इतना हैवी उस पर हो जाता है, उसको लगता है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तू सब कुछ ख़त्म कर दे, इनको भी क्यों जीने दे रहा है, मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें। हाँ ये वो करने लगता है, न कि जानबूझकर, जब उसकी समस्याएं का जो समाधान हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे केसों का हम नाम नहीं रखते, और उसकी समस्या का समाधान इनडायरेक्ट कैसे भी करवा देते हैं, धीरे धीरे फिर वो अपनी पत्रिका पढ़ने को देते हैं, वो उनको पता ही लग जाता है फिर ये केस ऐसे होते हैं। और देखो कई दिमाग के कैसे होते हैं, एक 70-80 साल की लेडीज थी जिसको कैंसर की दिक्कत थी, और वो कहती थी कि मेरे को भूत दिखते हैं। देखो एक तो इतना डिप्रेशन में होगी, बीमार होगी तो सपने आने लग ही जाते हैं, तो उसको मैंने कैसे ठीक किया था ये तो नहीं कह सकती कि वो कैंसर से ठीक होगी, लेकिन वो थोड़ा खुश रहने लगी, यहाँ से ठीक होगी वो, तो उसके उसको इस तरह चेयर पे बिठा के उसके सामने एक नारियल रख दिया और एक साथ में पानी का गिलास, तो उसको बार बार कहता रहा कि नारियल की तरफ देखते रहो, नारियल की तरफ देखते रहो, आपके सारे जो भूत है इसमें चले जाएंगे। इस तरह उसको 10-20 मिनट ऐसे ही आदेश देते रहे वो देख, फिर उसको कहा कि ऐसे 3 बार नारियल पे पानी डाल दो, तो उसने नारियल पे पानी डाल दिया, पानी डालते ही नारियल में आग लग गई, वो कुछ केमिकल वगैरह, हाँ उसमें पहले ही मैंने कुछ लगा रखा था, तो आग लग गई और उसको बोल दिया देखो जितने भी तेरे भूत थे इसमें चले गए, उसको तो यहाँ से वो फ्री होगी, निकल गई, संतुष्टि होगी, हाँ बस यही। मतलब आप करते उसी तरीके से हो, लेकिन वे सारी चीज़ें केमिकल वगैरह इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती हम है। बता भी देते नहीं, हर एक केस को ऐसे ही नहीं ठीक करते, और तो बाकी वो तो एज के मुताबिक उसको जो दिक्कत थी, हाँ लेकिन हर केस ऐसे नहीं, हर को तो जैसे काउंसलिंग करके ही हम ठीक करते। तो देखो मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई, डॉक्टर साहब यूँ भी कह दे हैं कि देखो धरती पर सारी चीज़ है, बस ये शुरू से ही जिसने इस दुकानदारी को पंडे पुजारियों ने शुरू किया है ना, तो ये जड़ इतनी गहरी है, तो वही चल रहा है कि धरती पे चीज़ तो सारी है, जिसका लग गया वो जाना है। अगर वो चीज़ सारी है और वो दिखाने वाले हैं तो हम भी यहीं हैं, हमें दिखा दो ना कोई वो चीज़ सारी है। आज साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े फ़ोनों से, और इसी तरह के देखो वो ये नहीं देखते ये फ़ोन आपको किसने बना के दिया, और इसी से मतलब इतने अंधविश्वास के मैसेज, साइंस ने आपको क्या दिया, साइंस ने पीछे धकेला, साइंस कुछ नहीं है, वो ये नहीं देख रहा जिस चीज़ से तुम मैसेज कर रहे हो तो वो भी साइंस की देन है। बिल्कुल। अभी ये कहते हैं जैसे कोई भी किसी का अनहोनी हो जाती है, कोई गुजर जाता है, तो ठीक है हम मन समझाने के लिए बात करते हैं, बस इसकी तो इतनी ही लिखी थी, वहाँ बात फिर वो परमात्मा की ओर चली जाती है, लंबा विषय होगा कि इसकी तो इतनी ही लिखी थी, तो ऐसा क्या मतलब परमात्मा ने किया कि अपने इंडिया वालों की तो इतनी ही लिख दी और जापान वालों की कितनी लिख दी, अगर एक ही परमात्मा है तो उनकी लाइफ देखो कितनी है। अगर कोई एक्सीडेंट में गुजर जाता है तो ये कहेंगे कि इतनी ही लिखी थी, कम से कम ठीक है हादसा होता है, दुख सबको होता है, लेकिन सामूहिक बैठ के ऐसी बात चलानी चाहिए कि नहीं लिखी नहीं थी, ये घटना घटी है, और एक्सीडेंट को किस तरह हम रोक सकते हैं, तो ऐसी कोशिश हमने करनी चाहिए। ऐसी बातें अगर होगी तो उस पर विचार हो, जब किसी के ज़्यादा ड्रिंक करता है, कितने ज़्यादा पीता है, पीने के कारण लीवर किडनी बैठ गई, और वो भी फिर यही कहेंगे कि बस इतनी ही लिखी थी, तो रीज़न की तरफ तो जाओ भाई,
मरा क्यों है। तो ये सब एक और चीज देखी है, ये जो आप शराब की बात करें ना, भी कह हैं कि भूत प्रेत पे आवा है। नहीं बिल्कुल सही है, बहुत केस ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, वो क्या कहते हैं जो उनके घर वाले हैं और बस यही अपने आप को पेश करना होता है उनको कि समाज कुछ न कहे, तो उसके घर वाले भी हेल्प करते हैं, उसको तो नशा चाहिए, उसको भी मौका मिल जाता है कि हाँ मैं नहीं पीता, मेरे साथ तो ज़बरदस्ती होती, भूत प्रेत पिलाते। तो एक बात और याद आ गई इसी बात पे, राजस्थान की एक घटना है जहाँ एक लड़का कुएं के अंदर कूद गया, कोई ज़्यादा गहरा नहीं था, जब वो कूदा लड़का था और वो लड़की बन के निकला, ये एक्चुअली है अगर कोई देखेगा तो। ये कैसे हुआ, अगर ये देखो अगर हम इस चीज़ का खुलासा नहीं करेंगे तो ये हाँ कोई तो सकती है यार, बात में भी कोई ये दोहराई नहीं कि ये सच है। तो उसके पीछे का रीजन जब हमारे सोसाइटी वाले गए तो उन्होंने निकाला, तो बैकग्राउंड तक पहुँचे, वो क्या पाया गया कि वो लड़का बाहर जाके अपना उन्होंने जेंडर चेंज करवा लिया था और समाज के सामने पेश करना था बस। हमें खुलासा किया हमने तो होगी छोटी सी बात, तो नहीं तो बहुत बड़ी बात थी। वो तो एक साइंस का वो था लेकिन उसको अंधविश्वास की तरफ से जोड़ा वो उसने अपने आप को पेश करना था समाज के सामने, ये बात है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं समाज में। हाँ जब तक नहीं पता लगता तो वही शक्ति है, जब पता लग जाए कुछ नहीं है, छोटी बात है। इसी तरह हम जैसे जादू दिखाते हैं, दिखा के चले जाएं तो कोई तो शक्ति थी, नहीं तो अपना अगर बता दिया कुछ नहीं है, तो छोटी सी बात है। हर जादू के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, गर्दन से तलवार निकालना, आदमी को काट के दिखाना, ये सब एक स्टेज के आइटम है, ये सब तैयार किए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि गर्दन को काट के अलग रख के और वो करते, ये सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो देखो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई है, बहुत सारे मतलब केस भी बताए हैं जो इन्होंने सुलझाए हैं, इनकी सोसाइटी ने सुलझाए हैं, और मतलब बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो सारी चीज़ें आपने सुनी है कि मतलब कितने सारे केस डॉक्टर साहब की सोसाइटी ने और इन्हें मिलकर सुलझाए हैं। अगर आपके आसपास भी ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे। तो आप भी बताओ मतलब क्या कहना है, अंधविश्वास है या सच में ऐसा होता है। और आपने वहाँ की वीडियो भी देखी बिरदाना गांव की, तो अपनी राय जरूर रखिए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अंधविश्वास की तरफ ना बढ़े। जय हिंद।